दून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने आज उन पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। गामा ने साफ कहा कि चुनाव के दौरान मैंने जो संपत्ति दिखाई उसे लेकर सवाल खड़े किए गए। मेयर गामा ने पत्रकार वार्ता में कहा, मैं 18 साल की उम्र से मेहनत कर रहा हूँ, पान का खोका चलाया, चाउमीन बेची, वीडियोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी चलाई, ठेकेदारी की। इसके बाद 2012 तक कुछ संपत्तियां हमने ली। उनके अनुसार मेरी ठेकेदारी अच्छी चलती थी। मैं बी कैटेगरी का ठेकेदार था, लेकिन नगर निगम बनने के बाद मैंने निकाय में ठेकेदारी छोड़ दी। उनके अनुसार मेयर बनने के बाद मैंने अपने तमाम लाइसेंस भी रद्द करवा दिए। उनके अनुसार 2012 के बाद मैंने कुछ संपत्तियां खरीदी। मैंने 2017 में अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 2.5 करोड़ तक की संपत्ति पत्र में दिखाई थी। उनमें से मैंने अपनी कई संपत्तियां बेची और संपत्तियों की दरें बढ़ी, जिसका केवल मुझे ही नहीं बल्कि सबको फ़ायदा हुआ। उनके अनुसार जब मैंने कुछ संपत्तियां बेची हैं तो कुछ खरीदी भी हैं। आइए देखते हैं नवभारत समाचार देहरादून उत्तराखंड से एल मोहन लखेड़ा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको सबको नमस्कार। 9 वर्ष चल रहा है हमारा, 9 वर्ष की आपको सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबका सहयोग आशीर्वाद इस शहर के लिए नगर निगम को मिलता है, इसके लिए मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियाँ अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियाँ मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आज मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियाँ इकट्ठी करी हैं, मेरे पहले से ही संपत्तियाँ हैं भैया। देखिए, जितनी मेरी संपत्ति है, जितनी और जो 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 आप 11 संपत्ति 10 या 11 जो दिखा रहे हैं, उसमें से जो है 5-6 संपत्ति में बेच चुका हूँ। आप RTA में उसको भी निकाल लो और उसको भी दिखाइए कि जो है जो मैंने बेची हैं उसके बदले मैंने बेची हैं नहीं बेची, जरा उसकी भी जानकारी आप लोग कर लें। और एक महन जी के साथ साथ एक मेरा कोई मेरे मित्र जो है एक पेट्रोल पंप का भी चला रहे हैं, तो पेट्रोल पंप की भी जांच कर ली जाए। जो पेट्रोल पंप जो अलॉट होता है वो बाकायदा उसकी जो है सारी जाँचें होती हैं, किसके नाम वो ज़मीन है, किसके नाम वो पट्टा है, किसकी ज़मीन है, वो सब निकल जाएगी। मेरे कोई मित्र जो है वो चला रहे हैं कि पेट्रोल पंप भी जो है गामा जी का है, तो भैया मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वो उस पेट्रोल पंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा हो कि अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। देखिए, ऐसा है जितनी मैंने संपत्तियां जोड़ी हैं वो मैंने सब RTA में, मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूँ, ये तभी तो आपको मिली है। वो अगर मैं छिपाता तो कहाँ से आपको मिलती। जो मेरे कुछ मित्रों ने ये निकाली हैं, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है, कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर था, वो तो जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी काम करना अब मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने चाहे मैं RES में काम करता था, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, PWD में काम करता था, मैंने नगर पालिका में भी काम करे हैं जब ये नगर पालिका थी, जब नगर निगम बन गया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिए। ऐसे मैंने सरकारी विभागों में काम करें, ठेकेदारी करी है, मेहनत करी है। और मजे की बात यह है कि मैंने 18 साल की उम्र से 40 साल तक काम ही कर रहा हूँ भैया। और मैं आपको, मैं देहरादून की जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि उनका अपार स्नेह प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। और जो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कल तक जिन्होंने प्रेस करी है, उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं प्रधानमंत्री, एक कोई घोटाला नहीं हुआ, और कांग्रेस ने तो पूरा देश ही लूट दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी, एक साल से जो है उनका एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया, जो
वर्षों वर्षों से जो दीमक लगी हुई थी, जो भर्ती घोटाले हो रहे थे, उनको साफ करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है चर्चाएं हो रही है, उसकी लोकप्रियता हो रही है। नगर निगम में आज तक कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए, हमारे जितनी वोट बैठकें हुई शांतिपूर्वक हुई, तो जो हमारे विपक्षी मित्र हैं उनको हजम नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें षड्यंत्र के तहत जो कर रहे हैं, संपत्ति ले ली। और अगर संपत्ति का रेट बढ़ रहा है तो सबका बढ़ रहा है, कोई मेरा ही नहीं बढ़ रहा है। और ये संपत्ति का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार विकास कार्य कर रही है, सरकार विकास कार्य कर रही है, क्षेत्रों में विकास हो रहा है। जब क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है तो जो है ज़मीन से लेकर सब चीज़ के जो है रेट बढ़ते हैं। उस कड़ी में रेट बढ़े हैं तो रेट बढ़े तो सबके बढ़े, मेरे ही नहीं बढ़े। जब मैंने अपना मकान बनाया था उस समय 1000 रुपये गज का मैंने डोभाल वाला में लिया था, आज डोभाल वाला में ही जो है लगभग 40,000 रुपये का रेट है। तो उस समय तो मैंने जो अपनी दिखाई है 2-2.5 करोड़ की दिखाई है, लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट वैल्यू लगाने लगूँ तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान ही मकान हो गया। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी संपत्तियाँ थी, कुछ संपत्तियाँ मैंने बेची है, कुछ मैंने खरीदी हैं। ये मेरा विषय था, अगर इसमें कुछ आप कुछ कहना चाहें तो आप मुझे। कोई कब्जा किसी को नहीं करने देंगे, उसके लिए अगर कोई हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। नगर निगम की संपत्ति कोई भी कब्जा करेगा उसे किसी कीमत पे कब्जा नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूँ। ये 10-10 रुपए के